राजधानी लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल मरीजों के इलाज को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहा है। बलरामपुर हॉस्पिटल में डॉक्टरों का नया कारनामा सामने आया, जहां भर्ती दर्जन भर मरीजों की इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीजों को गलत इंजेक्शन लगाया, जिसके चलते मरीजों को तेज बुखार के साथ उल्टियां आने लगी। लोगों ने बताया कि यहां भर्ती करीब 20 मरीजों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन सबको इमरजेंसी में ले जाया गया, वहां से भी डॉक्टरों ने सभी को भगा दिया। हालांकि एक युवक की तबीयत बिगड़ने के कारण उसे आईसीयू में भर्ती जरूर किया गया। इस पूरे मामले पर पर्दा डालते हुए बलरामपुर हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने मरीजों की तबीयत बिगड़ने की बात को सिरे से नकार दिया और बताया कि यहाँ पर पूरे प्रदेश से सीरियस मरीज आते हैं, हम उनका इलाज करते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी मरीज को रेफर नहीं करते कि यहाँ चले जाओ या वहाँ चले जाओ। गंभीर मरीज को भर्ती करना और उसका इलाज करना हमारा दायित्व है। अगर मरीज गंभीर है तो समस्याएं भी गंभीर होती हैं। यहाँ मरीज ज्यादा आते हैं, जिनके कारणों से हम उनको अधिक समय नहीं दे पाते, और कोई बात नहीं है। चिकित्सालय में कोई भी मरीज सीरियस नहीं है, सिर्फ एक मरीज सीरियस था जिसे तेज बुखार था। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज।